भारत चीन लद्दाख सीमा क्षेत्र में गलवान घाटी में गश्त के दौरान चीन की सेना द्वारा भारतीय सैनिकों पर हमला किए जाने के विरोध में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक पर चीन के राष्ट्रपति तथा चीनी उत्पादकों का विरोध करते हुए उसका प्रतीकात्मक पुतला दहन किया तथा आजीवन चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने का संकल्प लिया। पुतला दहन करते हुए हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कार्यक्रम के दौरान संयोजक मयंक पांडे, कौस्तुभ त्रिपाठी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष राजा त्रिपाठी ने बताया। मैं राजा त्रिपाठी, हिंदू जागरण मंच का प्रदेश अध्यक्ष। गलवान घाटी में भारतीय थे हमारे भारतीय सैनिकों पर धोखे से गैर परंपरागत अस्त्रों के साथ अटैक करके जिस तरह से उनको शहादत दी गई है, ये हम भारतवासियों को कतई कबूल नहीं है। आज हम सड़कों पर संगठन के लोगों के साथ पूरा देश, जगह जगह, पूरे भारत में हिंदू जागरण मंच इसका विरोध कर रहा है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं चाहे हिंदू मंच सड़कों पर ना हो। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि हमारी सेना को पूरी खुली छूट दी जाए और उसके खिलाफ हर तरह के नीति अपनाने का अधिकार सेना को दिया जाए, ताकि पाकिस्तान की तरह से एक जबरदस्त स्ट्राइक करके शहीद हुए सैनिकों की शहादत को सम्मान मिले, तब उनकी आत्मा को मोक्ष मिलेगा और शांति मिलेगी। और आर्थिक नीतियों का बहिष्कार करने की हमारी योजना पूरे भारतवर्ष में है। हमारा संघ परिवार हिंदू जागरण मंच आर्थिक नीतियों का बहिष्कार पहले से करता चला रहा था, और आज हम संकल्पबद्ध हैं कि देश की जनता के साथ सरकार भी चीन की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए उसका पूरा बहिष्कार करेगी। और सभी अनुसांगिक संगठन साथ साथ व्यापारिक संगठनों से भी मेरा आह्वान है कि वो चीन के बने हुए सामानों को न ले आए, न भारत में उसका इस्तेमाल होने दें। आज जनता से अपील है कि वो अपने छोटे मोटे स्वार्थों को किनारे करके, अपनी छोटी मोटी जरूरतों को किनारे करके चीन के सामानों का बहिष्कार करें। अगर हम सब मिलकर आज चीन के सामानों का बहिष्कार करते हैं तो चाइना की कमर आधी ऐसे ही टूट जाएगी, और आधी तोड़ने के लिए हमारी सेना बहुत काफी है, उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं।